इसका लॉजिक कट सेक्शन है, इसका पावर सेक्शन है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका फ्यूज़ कि इसका फ्यूज़ ठीक है कि नहीं, और कहीं पे अवेलेबल है आप बोलेंगे फ्री डेज क्या मुझे पावर सप्लाई चाहिए तो ये दे देगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बी टेक्निक। आज मेरे पास एक सेप्टो बॉक्स रिपेयर होने के लिए आया है। ये कस्टमर मेरे पास लेके आया, बोला कि इसका पावर देने के बाद इसे धुआं धुआं निकल रहा है और ये पावर भी नहीं ऑन हो रहा है। तो चलिए इसको मैं खोल के पहले देख लेता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है। बहुत से लोग इसको सेप्टो बॉक्स, डिश टीवी बॉक्स या फ्री डिश भी बोलते हैं इसको। बेसिकली ये फ्री डिश ही है। इसको खोलने से पता चलेगा हमको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसको खोलते हैं। इस सेप्टो बॉक्स में हमको ज़्यादा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। आगे एक डिस्प्ले है और पीछे चार कनेक्टर और दो कनेक्टर, चार कनेक्टर है जो हमारा इधर से आउटपुट होगा टीवी पे इसके लिए, और दो है जो छतरी है उससे जो कनेक्शन आता है वो, इतना ही कुछ है। और एक पावर केबल, इतना ही कुछ दिखने को मिलता है हमको। सिर्फ इसमें चार ही नट है, साइड में दो पीछे में दो। हल्के से इसको ऊपर खींचोगे तो ये निकल जाएगा। इसका लॉजिक कट सेक्शन है, इसका पावर सेक्शन है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका फ्यूज़ कि इसका फ्यूज़ ठीक है कि नहीं। सबसे पहले बोर्ड में ये देखना होता है। फ्यूज़ तो सही है, फिर भी मैं मल्टीमीटर से इसको चेक कर लूँगा। फ्यूज़ को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बजाज मोड में रख के और इसको कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे दो साइड में, और ऐसे हम पावर केबल को भी चेक कर लेंगे। पावर केबल का जो वायर है उसको भी ऐसे फ्यूज़ के जैसे चेक करेंगे कि केबल ठीक है क्या नहीं। इसका जो एसी केबल है और पावर स्विच है इसको ध्यान से आप चेक कर लीजिए कि दिक्कत यहीं से आ रहा है या नहीं। मेरे तो दिक्कत यहीं से नहीं आ रहा है कि ये तक तो ठीक है। मैं फिर भी एक बार इसका वोल्टेज चेक कर लूँगा कि इसमें कितने एसी वोल्ट आ रहा है। इसका एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 250 में सेट करके इसका न्यूट्रल और फेज को हम चेक करेंगे। इसमें वोल्टेज ठीक है, वोल्टेज में कोई दिक्कत नहीं है, एसी लाइन ठीक है। इसका डीसी सेक्शन चेक करेंगे हम कि इसका जो बोर्ड का जो आउटपुट है या पूरा का पूरा बोर्ड ही ख़त्म हो गया। नहीं, इसमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है रीडिंग। और ध्यान रहे कि इसमें इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है इसको आपस में शॉर्ट कर लीजिए, नहीं तो आपस में शॉर्ट नहीं करेंगे। देखिए कितना बेहतरीन फायर कट रहा है। अगर ये शॉर्ट लग गया तो आपको परेशानी होगा। मेरे पास ये नया है, ये मुझे 70 रुपया में मिला। हर कहीं मार्केट में ये मिल जाएगा आपको, हर कहीं पर अवेलेबल है। आप बोलेंगे फ्री डेज क्या मुझे पावर सप्लाई चाहिए तो ये दे देगा। इसका ये सेक्शन पूरा से पूरा एकदम खराब है। इसमें जो छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये जल गया, तो ये मार्केट में मिलता नहीं है। अगर मिल भी गया फिर इसको 50-60 रुपया देना पड़ेगा। और इसका जो पावर सेक्शन का बोर्ड है इसका कीमत ही 70 रुपया है,
तो मैं इसको रिपेयर करने का सजेस्ट नहीं करूंगा और इसको पूरा चेंज कर देंगे। ज़्यादातर इसका ये जो पावर सेक्शन है यही ख़राब होता है, इसका लॉजिक कट सेक्शन कभी ख़राब नहीं होता है। चलिए इसमें मैं पावर केबल और कनेक्शन कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। एक बार हम पावर देके देखेंगे। हाँ इसमें पावर आ गया, आके चला गया, ये लोड ले रहा है। हाँ पूरा देख पा रहे, ओके कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन में है।